डेरिवेशंस ऑफ गैस लॉस, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉस पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ है ना, चार्ल्स लॉ, और ये सब पढ़े हुए हैं। तो आपको केमिस्ट्री में ऐसे सिखाते हैं ना कि बॉयल्स लॉ, पी वन वी वन, पी टू वी टू, चलो जी न्यूमेरिकल करते हैं, शुरू करते हैं, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम हो जाए, खत्म। लेकिन ये बॉयल ने किया कैसे था, उसने पहले चैप्टर पढ़ा केटीजी, और फिर उसने ये सारे एनर्जीज का कॉन्सेप्ट, एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाया और इस पूरे रिजल्ट को प्रूफ किया। जैसे प्रेशर 1/3 रो वी स्क्वायर है, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम लेफ्ट पे चला गया। अब किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो गैस की जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो गैस की एवरेज वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो पी वी इज अ कॉन्स्टेंट। तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से उसने लॉ को प्रूफ किया। ऐसे बाकी लॉज भी प्रूव हुए। इस शीट पे बड़ा बड़ा क्रॉस लगा दो, मतलब देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं कि मैं इसके प्रूफ देख लूं, बिल्कुल भी नहीं करना, इस पूरे प्रूफ को छोड़ना है। जो भी लॉज हैं आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री में करवा दिए हुए हैं, ये आपने प्रूफ नहीं करने, किसी भी टाइप का प्रूफ नहीं करना, ठीक, क्रॉस कर दो।